67 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ। 1999 ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ। इस हल्के की सियासत उपर इमरजेंसी का की असर पिया। कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो गई क्योंकि कांग्रेस का मलकीत सिंह सी जिहड़ा हंसराज जोत्सन की जगह पर आया सी, उसकी जमानत इथों जब्त हुई। ये चर्चा उदों भी चली सी 2017 दी कि सुखबीर बादल जिते नहीं है, उन्होंने जिताया गया है, तो भगवंत मान हारे नहीं है, इन्होंने हराया गया है। कामरेड जिहड़ा प्रभाव सी वह किते ना किते इन्हां चोणां तो हुण जिहड़ा वा इन्हां इस हलके तो खत्म हो चुका है। द खालस टीवी देख रहे साडे देश ते विदेश के सारे दर्शकों का मैं नवदीप सिंह प्रोग्राम सियासत में स्वागत करदा हां। दर्शकों, इस लड़ी दे विच अज एक बार फिर असीं एक नवे हलके दे नाल प्रोग्राम लैके हाजिर होए हां। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब अज जिहड़े हल्के नूं आपां लिया, मेरी मुराद है हल्का जलालाबाद तो जी। डॉक्टर साहब, सब तो पहले दसो कि यह हल्का होंद विच कदों आया तो इस हल्के की जिहड़ी सियासी महत्ता की है जी पंजाब की सियासत विच? देखो, ये हल्का 1967 के होंद विच आया सी जी। तो इस हल्के की जिहड़ी सियासी महत्ता है मौजूदा समय की जे गल करिए तो इस हल्के नूं सुखबीर बादल दे हल्के दे वजों जानिया जाता है जी। जी वैसे जी ये पिछोकड़ दे विच असीं जाके देखीए तो भी इस हल्के की अपनी एक सियासी महत्ता रही है जी। जी जी डॉक्टर साहब, इस हल्के तो जिहड़े भी विधायकों ने चोण लड़ी तो उन्हां वल्लों जिहड़े मुद्दे चुके गए इलैक्शनां दे विच ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ भी उन्ना ही है। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ देखीए 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਐਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਸੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਿਰਫ 668 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ इतों कांग्रेस के लजिंदर सिंह जिहड़े पिछलियां चोणां 'च हार गए सी, उन्होंने तिकोने मुकाबले दे विच भारतीय जनसंघ दे जिहड़ा सी बख्तावर सिंह ते सीपीआई दे वधावा राम नूं हरा के ये सीट सी जिहड़ी जित्ती सी। जित दा अंतर भी 20000 वोटां दा हैगा सी उन्हां दिनां दे विच, पर ये चोणां दे विच जिहड़ी सी जाति समीकरण भारी रहे सी। तीजियां चोणां दी गल करिए जिहड़ियां 1972 दे विच होईयां तां इत्थों सीपीआई दे मेहताब सिंह ने जिहड़ी सी सोशलिस्ट पार्टी दा हरभजन सिंह सी उन्हां नूं हराया सी इन्हां चोणां दे विच। उस तों बाद आपां जे देखीए तां मेहताब सिंह ने ये सीट दे उप्पर मतलब जिहड़ा कामरेडा दा जां सीपीआई दा एक गढ़ बना के उन्होंने रख दिता सी जी। जी जी डॉक्टर साहब, इस तो पहला कि तुसीं 1977 दीआं चोणां दी गल करो तो इस हल्के की सियासत उपर इमरजेंसी का की असर पिया? देखो, एमरजेंसी का बहुता प्रभाव उन्हां हल्कियां दे उपर पिया जिन्हां दे उपर कांग्रेसी विधायक काबिज सन जी। जी पर यह सीट के उपर जिवें मैं पहले गल की कि जिहड़ा कब्जा हैगा सी वो सीपीआई दे मेहताब सिंह दा सी जी। जी मेहताब सिंह ने आजाद उम्मीदवार सी रजिंदर सिंह, उन्होंने इन्हां चोणां दे विच तकरीबन 18000 वोटां के फर्क दे नाल उन्हां ने हराया सी जी। हाँ, 1980 दे विच जदों कांग्रेस की लहर चली उदों कांग्रेस की लहर का असर इस हल्के ते देखण नूं जरूर मिलिया सी क्योंकि इत्थों जिहड़ा सी कांग्रेस दे मंगा सिंह ने सीपीआई ਦੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਪਰ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ 85 ਦੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ आम गल है कि ये धर्म तो थोड़ा जिहा वखरे ने जां उहनूं नहीं मनदे, पर इस सीट दे उपर उहनां दा प्रभाव आपां नूं देखण नूं मिलिया। ते सीट 1985 विच वी जिहड़ी सी कामरेडा दी झोली दे विच जा के पई सी। जी डॉक्टर साहब 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੌਤਰਫਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਚੌਤਰਫਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਬਸਪਾ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ सुरिंदर सिंह सी। वो जेड़े सी कांग्रेस दे हंसराज नूं जेड़ी सी पूरी टक्कर दे रहे सी, पर जेड़ा सी सियासी बदले सियासी जेड़े समीकरणां दे करके किते ना किते जेड़ा सी ये कांग्रेस इस हलके तो जेड़ी जितन दे विच कामयाब होगी ते हंसराज इत्थों जेड़े सी कांग्रेस दे विधायक बने। जी 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 डॉक्टर साहब 1967 तो लैके 1997 तक दीआं चोणां दा जिक्र करिया, पर हजे तक अकाली दल का जिक्र नहीं आया। देखो मैं जिवें तुसीं कहा कि 1967 तो 1992 तक दीआं चोणां दा तुसीं जिक्र कर लिया जी। 67 तो लैके 1992 तक अकाली दल ने कभी इस हलके तो चोण ही नहीं सी लड़ी जी। अकाली दल का जिहड़ा इत्थों सियासी सफर 1997 दीआं चोणां दे विच शुरू होया सी जी। क्योंकि देखो 95 जदों 96 दे विच इन्हां दा गठजोड़ हुंदा होया 95-96 दे विच तां उस टाइम जिहड़ी अकाली दल सी उन्हें सारे पक्षां नूं विचारिया सी, पूरी तैयारी दे नाल चोणां लड़ियां सी उन्हां ने। तां इहदे विच जिहड़ा सी अकाली दल ने जिहड़ा सी जाति समीकरण नूं वी मन्निया, उहदा पत्ता सुट्टिया ते इत्थों जिहड़ा शेर सिंह घुबाया सी उन्हूं चोण मैदान दे विच उतार दित्ता। इन्हां इस चोण दे विच जिहड़ा सी हंसराज सी जिहड़ा पिछलियां चोणां दा जेतू सी उन्हूं कांग्रेस ने सीट ना दित्ती तो उन्हें बागी होकर चोन लड़न का काम मतलब फैसला कर लिया। बसपा का सुच्चा सिंह भी चोणों के पूरी तरह एक्टिव सी ते पर शेर सिंह घुबाया ने जिहड़ा तिकोने मुकाबले दे विच कांग्रेस तो बागी हुए हंसराज नूं भी हराया ते सुच्चा सिंह नूं भी हराया। इन्हां चोणां दे विच जिहड़ा सी अपना जिहड़ा वेखण वाला मतलब सब तो गौर करने वाला पक्ष यह रहा कि कांग्रेस के मनोहर सिंह दी ते पिछली 3 वरी दे जिहड़े MLA सी मेहताब सिंह जिन्हां दा गढ़ सी एक हिसाब दा इलाका, उन्हां दी जमानत तक इन्हां चोणां दे विच जब्त हो गई सी। इन्हां चोणां विच जिहदे आपां देखीए कि अकाली दल दा खाता खुल्लिया, उत्थे पिछलियां 3 चोणां जित चुकी कांग्रेस ते पिछले 3 वरियां दा MLA सी जिहड़ा मेहताब सिंह उहदी जमानत जब्त हुई सी, जो कि एक अपने आप दे विच छोटी मोटी कह लो गल नहीं सी हैगी उस टाइम। जी डॉक्टर साहब मतलब अकाली दल दी इस जित तो बाद इस हलके दे विच इस पार्टी का जिहड़ा जलवा कितनी देर तक बरकरार रहा? देखो ये जलवा बरकरार रहा नहीं। 2002 दे विच जदों आपां देखदे पे हां कि पूरे पंजाब विच कांग्रेस ने जिहड़ियां चोणां सी वो भ्रिष्टाचार दे मुद्दे दे उपर लड़ियां सी, जिहड़ा अकाली भाजपा गठजोड़ ने वो कह रहे सी कि फैलाया होया वा। इन्हां चोणां दे विच फिर तिकोना मुकाबला होया। हंसराज जोत्सन कांग्रेस ने उम्मीदवार उन्हां नूं बनाया, हंसराज जोत्सन नूं उन्हां ने श्रोमणी अकाली दल दे शेर सिंह घुबाया जिहड़े पिछले विधायक सी उन्हां नूं ते बसपा दे मोहन सिंह नूं जिहड़ा सी तकरीबन आपां गल करिए तां 4000 तो वध वोटां दे फर्क दे नाल उन्हां ने हरा के इत्थे जिहड़ी चोण जित्ती। कहंदा भाव कि जिहड़ा अकालीਆਂ ਦਾ जलवा एक सी चोण तो बाद ही किते ना किते खत्म हो गया। जी जी मतलब ये जलवा सिर्फ एक बार दा ही सी। बिल्कुल एक बार तो बाद आपां देखीए कि जदों अकालियां ने 2007 दीयां इत्थों चोणां लड़ियां तां अकालियां ने जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल सी उन्ने शेर सिंह घुबाया ते अपना विश्वास कीता ते उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। शेर सिंह घुबाया ने कांग्रेस दे हंसराज नूं 44000 तो वध वोटां दे फर्क दे नाल हराया। जी मेरा ख्याल है तुहाडी मुराद है हंसराज जोत्सन तो है जी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी हंसराज जोत्सन जिन्हां ने पिछली वारी कांग्रेस वालों चोण लड़ के घुबाया नूं हराया सी, पर ऐरकी वो 44000 दे वड्डे फर्क दे नाल अकाली दल दे शेर सिंह घुबाया दे कोलों हार गए। सरकार भी अकाली दल दी बनी। हाँ जी हुण ये जिहड़ियां चोणां सी 2007 वालियां इत्थों एक नवें अध्याय दी जिहड़ी शुरुआत हुई, क्योंकि 2009 दे विच जिहड़ा शेर सिंह घुबाया सी उन्हां नूं फिरोजपुर लोक सभा हलके दा जिहड़ा उम्मीदवार बनाया गया उन्होंने जी जित हासिल की इथों ते ये जिहड़ा हलका हुण खाली हो गया। इथों जिमनी चोन होनी सी, इस जिमनी चोन दे विच सुखबीर सिंह बादल नूं चोण मैदान दे विच उतारिया गया क्योंकि सुखबीर सिंह बादल जिहड़े सी केंद्र दी राजनीति तो दूर हो के पंजाब दे विच उप मुख मंत्री दा ओहदा संभाल चुके सी ते भारतीय कानून मुताबिक उन्हां नूं 6 महीने दे विच विच जिहड़ी सी चोण जितनी जरूरी सी उन्हां ने इस जिमनी चोन मतलब इस सीट तो जिमनी चोन लड़ी ते कांग्रेस दी उसे हंसराज नूं 80,000 तो वध वोटां दे फर्क नाल हराया जो कि उस टाइम दा इक रिकॉर्ड सी क्योंकि इस तो पहला लुधियाना तो हीरा सिंह गाबड़िया एक बारी 61,000 वोटां दे नाल जित्ते सी। एक MLA 80,000 वोटां दे नाल जितदा वै तां ये मतलब ये रिकॉर्ड सी जिहड़ा ये सुखबीर सिंह बादल ने उन्हां दिनां दे विच बनाया सी। सुखबीर सिंह जिहड़ा बादल इन्हां दी एंट्री 2009 दी जिमनी चोणां राहीं पंजाब दी जिहड़ी सियासत विच बिल्कुल हांजी पर ये सियासत विच तां काफ़ी पहले तो ही जिहड़े सरगर्म सीगे। हांजी देखो जिहड़े सुखबीर सिंह बादल है उन्हां दा सियासी कैरियर सी जिहड़ा जी ਉਹ लोग सभा तो होया सी 1996 दे विच जेड़ी सी सुखबीर बादल ने लोग सभा दी सीट लड़ी सी फिर अपने फरीदकोट हल्के तो ते कांग्रेस दी जेड़ी उत्थे कवलजीत कौर सी उन्हां नूं तकरीबन 38,000 वोटां दे फर्क दे नाल हराया सी। इन्हां चोणां दे विच जेड़ी कांग्रेस दी हार दा कारण किते ना किते जगमीत सिंह बराड़ भी सी क्योंकि जगमीत सिंह बराड़ नूं सीट ना मिली। जगमीत सिंह बराड़ पिछले वरी के विधायक सी 1992 वालियां दे उन्होंने आजाद उम्मीदवार वालों चोन लड़ी तो आप भी हारे ते कांग्रेस की जी कवलजीत कौर है उन्होंने भी मतलब जी उन्होंने हार का कारण भी कितना कितने जगमीत बराड़ बनिया। हुण उस लड़ी दे आप अगे देखिए सुखबीर बादल के संदर्भ से तो 1998 दी चोणां दे विच कांग्रेस ने जिहड़े सी जगमीत सिंह बराड़ नूं अपने वालों सीट दिती पर सुखबीर सिंह बादल ने जिहड़ा सी फरीदकोट हल्के तो उन्होंने फिर तकरीबन 35,000 वोटां के फर्क के नाल हरा दिता। इन्हां चोणां तो बाद जिहड़े सुखबीर बादल सी ये अटल बिहारी वाजपेयी की वजारत दे विच वजीर बने। हुण 1999 में सुखबीर के कैरियर दे विच एक बारी जिहड़ा सी डाउनफॉल आया जो 1999 दी चोणां दे विच फरीदकोट हल्के तो ही जितों पिछली दो वरियां तो जित चुके सी पर जित दा जिहड़ा समां सी ओह बड़ा घट सी क्योंकि सरकार पूरी चलदी नहीं सी पई। मतलब 3 सालां दे विच सुखबीर ने जिहड़ी तीजी वरी चोण लड़ी 3 सालां दे विच ते उदों जिहड़ा सी जगमीत सिंह बराड़ ने उन्हां नूं अखीर चोणां दे विच हरा दिता। मतलब गल कहण दी कि सुखबीर सिंह बादल दी इस हार तो बाद सुखबीर तां वी रिहा केंद्र दे विच ही सरगर्म क्योंकि उन्होंने के इधरों हारे ते जाके राज सभा दे विच बैठ गए। 2001 तो लैके 2004 तक वो राज सभा दे मैंबर रहे सुखबीर बादल। 2004 दे विच दोबारा लोक सभा दी चोणां होईयां। इन्हां चोणां दे विच कांग्रेस ने जिहड़ी सी जगमीत बराड़ नूं सीट ना दित्ती क्योंकि जगमीत बराड़ कांग्रेस नूं अलविदा कह चुके सी उन्हां दिनां दे विच। उन्हां चोणां दे विच उन्हां ने कांग्रेस दी करनकौर बराड़ सी करनकौर बराड़ जिहड़ी है ओह हरचरण सिंह बराड़ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੋ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,35,000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2009 ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰ 2009 ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2017 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਦੀ चोन तो बाद जो 2012 की चोन हुई जिमनी चोन तो उत्थों सुखबीर सिंह बादल ने जिहड़ा सी आजाद उम्मीदवार हंसराज जोत्सन क्योंकि कांग्रेस ने हंसराज जोत्सन नूं सीट ना दित्ती क्योंकि हार बहुत वड्डी हुई सी 80,000 वोटां दी रिकार्डड हार सी उन्हां दी हंसराज जोत्सन दी। उन्हें कांग्रेस हंसराज को सीट ना दी, उन्हें बागी होकर चोन लड़ी। तो सुखबीर बादल ने हंसराज जोत्सन नूं 50,000 तो उपर दियां वोटां दे नाल हराया। सुखबीर बादल दी ये जित उस टाइम दियां 2012 दियां वोटां दी सब तो वड्डी जित सी पूरे पंजाब दे विच। कांग्रेस दी हालत बहुत पतली हो गई क्योंकि कांग्रेस दा मलकीयत सिंह सी जिहड़ा हंसराज जोत्सन दी जगह ते आया सी, ओहदी जमानत इत्थों जब्त होई ते सरकार भी अकालियां दी बन गई। सुखबीर सिंह जिहड़ा पहला तो उप मुख मंत्री तुरिया आ रहा सी, वो 2012 दे विच दोबारा आण के इत्थों फिर उप मुख्यमंत्री बन गया ये सीट जित के। जी डॉक्टर साहब, पिछलियां चोणां दे विच पंजाब दी सियासत विच एक बहुत वड्डा बदलाव आया ते आम आदमी पार्टी एक तीजी धिर वजों उभर के सामने आई ते जिहड़ी इहदी लहर सीगी इसका इस हल्के उपर भी कोई प्रभाव रहा जी? बिल्कुल, ये उपर आम आदमी पार्टी ने इस हल्के नूं प्रभावित करन दी पूरी कोशिश कीती। जी जी असी देखिए कि 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਜੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਵੇਂ ਤਿਕੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ऊपरी नज़रे तो जी आप की हवा सी अकाली विरोध के चलती पी सी, पर सुखबीर बादल फिर भी इतों 18,500 वोटा के नाल चोन जितन के कामयाब रह गए। सियासी गलियारियां दे विच ये चर्चा उदों भी चली सी 2017 दी कि सुखबीर बादल जिते नहीं आ, उन्होंने जिताया गया है तो भगवंत मान हारे नहीं है, इन्होंने हराया गया है। सियासी गलियारियां नूं आपां जे देखीए जे 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, H.S. ਫੂਲਕਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫੂਲਕਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ H.S. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਰਕੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੇਦਵੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਤੀ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਵੈ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹ ਲੋ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਹੋਈ। 15 ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 2019 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਇੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, 1,98,000 ਸਮਥਿੰਗ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ जी सुखबीर बादल दोबारा केंद्र च चले गए वो सीट छड्डन करके 10 साल दो बारी जिमनी चोन हुई। वो जिमनी चोन दे विच सुखबीर सिंह बादल नूं जां अकाली दल नूं यह सी कि असीं ये सीट जित्ते ही पे हाँ क्योंकि एक मजबूत आधार सी इन्हां दा, उस सीट तो MLA उस सीट तो मुड़ के MP जितना उस हल्के चों। पर कांग्रेस दे रमिंदर सिंह आवला ने जिहड़ी सी इस सीट तो जिहड़ा अकाली दल दा हैगा सी राज सिंह डिबरीपुरा उन्हां नूं इह चोन तो 16,000 तो वध वोटां दे नाल हरा दिता। ते हालात हुण जिहड़ी स्थिति फिर जिउं दी तिउं बन गई। यह मतलब जिहड़ी पिछले काफ़ी समय तो आपां कह लईए कि तिन्नां चों 15-17 साल तो सीट जिहड़ी अकालियां दे हत्थ सी ओह इन्हां दे कोलों निकल गई। आम आदमी पार्टी नूं इहदे विच कोई बहुता नहीं फायदा मिलिया। जिमनी चोण दी गल करदे पे हां, पहलियां चोणां दे विच जिहड़ियां मेन चोणां सी उहदे विच तां भगवंत मान दूजे नंबर ते चलो खैर रहे सी, पर इहदे विच जिहड़ा मैंबर इन्हां दा सी आम आदमी पार्टी दा ओह कांग्रेस वालों बागी हो के लड़िया सी, लड़िया आम आदमी पार्टी वालों सी जी। पर उन्होंने सीटा सारिया वोटा सारिया 5800 पईयां, जमानत उहदी जब्त हो गई। सुरख साहब ये सी बीते समय का जिहड़ा लेखा जोखा, आने वाला समा किस तरह का लगता जी तुहानूं? देखो इस टाइम की जे आपां गल करिए तां हाकम धिर है जिहड़ी वो बहुत अपने आप दे विच उलझी पई है जी। एक गल होर है, ये जिहड़ी चोण है इस हलके तो हाकम धिर ने जिमनी चोण दे रूप दे विच जित्ती है हाँ जी। ते जदों हाकम धिर जी जिमनी चोण जित्ते तो उहदी कोई बहुती महत्ता हुंदी नहीं है जी, जिन्नी कि विरोध विच बैठी धिर जे जिमनी चोण जित्ते तो उहदी हुंदी है जी। इन्हां चोणां दे विच हुण देखो आम आदमी पार्टी दी आपां गल करिए, चाहे श्रोमणी अकाली दल दी गल करिए, जित्थों तक आपां देखिए सियासी गलियारियां नूं आपां रखिए तां सुखबीर सिंह बादल थोड़े कीतियां ये हलका छड्डणगे नहीं जी, क्योंकि वो पिछली इथों 2 वारियां तो मतलब इथों चोण जित चुके ने, वो नहीं छड्डणगे थोड़े कीतियां हाँ। अजे दे जिहड़े आपां हालात देखिए उन्होंने देखिए आम आदमी पार्टी जिहड़ी है वो किसी ना किसी नवे उम्मीदवार दे नवे चेहरे की तलाश दे विच हैगी है जी। हुण दोवां पार्टियां ने चोणां दा आगाज कर दिता होया वा, इस कोई शक नहीं है। जिवें वो सियासी उन्हां दीयां सरगर्मियां वधदियां जा रहीयां ने, उन्हां दे कोल कह लो कि जिहड़ा वा गवाण वास्ते कुछ नहीं है। सुखबीर सिंह बादल दा जिहड़ा वा सियासी कद उन्हां नूं इन्हां चोणां दे विच मदद कर सकता है। हुण ये चोणां दे विच सारे का सारा भार कांग्रेस पार्टी के उपर है, मतलब इस सीट के उपर आपां जे गल करिए क्योंकि जिहड़ा आवला वै वो जित चुका वै। हुण जे कुछ करन दी लोड़ है तो आवला नूं ही करना पेगा, रमिंदर आवले नूं ही करना पैना है क्योंकि दूजियां पार्टियां कोल ते जदों चोण मैदान दे विच आउणगे उन्हां दे कोल नवे वादे होणगे, पर रमिंदर सिंह आवला नूं अपना जिहड़ा वा रिपोर्ट कार्ड लैके लोकां दे कोल जाना पऊगा कि मैं पिछले जिहड़ा वा 2.5-3 सालां दे विच इह काम कीते ने। ते दूजे पार्टियां दे कोल कुछ नहीं है, वो नवे वादे लैके जाणगे। इन्हां चोणां दे विच देखो जाति समीकरण है हजे भी चल रहे ने, आने वाली चोणों के भी आप नज़र आ सकते हैं आएंगे। कामरेड जो प्रभाव से कितना ना किते इन्होंने चोणों तो हम जोड़ा वा इन्हें इस हल्के तो खत्म हो चुका वै, क्योंकि कामरेड जी CPI है वो सारे कितों ही अपना आधार गवा चुकी है पंजाब के संदर्भ से, मतलब जिन्ना इन्हों का आधार शुरुआती दिनों के बिल्कुल शुरुआती चोणों के रहा हाँ CPI का वो हुण नहीं देखना हाँ। क्योंकि देखो ना तो हुण मेहताब सिंह वर्गे इन्हां दे कोल कोई नेता ने हाँ जी, जां मेहताब सिंह तो बाद उस मतलब कद दे जां उस लियाकत वाले जिहड़े नेता CPI दे कोल आए नहीं, जां लोकां दा मोह भी भंग हो चुकिया। तां इस हल्के ते हुण जे आपां जित दी गल करिए कि अगली सीट उस पार्टी दी झोली जाएगी हाँ जी, जां ते कांग्रेस ने जे जितनी है जां कांग्रेस दी झोली विच सीट तां जांदी दिसदी है जे जमीनी पद्धर ते काम करेगी। ते जे कांग्रेस नूं इह चोण जितनी है जमीनी पद्धर ते काम करना पैना, समां बहुत घट रह गया क्योंकि जिहड़ा वोटर है वो जिहड़ा हुण आपां देखिए कि आखिरी दिनां दे विच कीते काम नूं किसी जगह दे उप्पर बहुती महत्ता नहीं दिंदा क्योंकि जिमनी चोणां दे विच जे हाकम धिर दी पार्टी नूं जिताना थोड़ा जिहा होर गल भी हुंदी है क्योंकि 100 उन्हां कोलों काम करवाने हुंदे ने। तां मतलब ये जिहड़ा वा हो सकदा वा कि ये जिहड़ी आ मतलब फैक्टर है इत्थे भी नज़र आया होवे। हुण 1.5 साल का सिर्फ समा रह गया वा, काम करन वास्ते बहुत पे ने हजे तक जिहड़े वादे करके हाकम धिर आई सी वो उन्हां दे कोलों कोई भी पूरे हुए नज़र नहीं आंदे पे। किसी भी मुद्दे के उपर आपां गल कर लईए तां कांग्रेस नूं जे चोण जितनी है तां उन्हां नूं जिहड़ा वा रमिंदर सिंह है उन्हां नूं जमीनी पद्धर ते काम करके जनता दे विच जाना पेगा, अदरवाइज ਇਹ ਸੀਟ ਦੂਜੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਚੋਣ 'ਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਵੋਟਰ ਇਹਦੇ ਭਰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਭਰਮ 'ਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਤੂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਬਜ ਭਾਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ मतलब नुकसान कह लिए करवा बैठते हैं या अपनी जड़ा जिंदगी का अपने फैसला अपनी किस्मत का इन्होंने नेतावां के हत्थों के दे देंदे ने जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तुसीं हलके दे बारे भरपूर जानकारी साडे नाल सांझी करी, सो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। सो दर्शकों, ये सीगा हलका जलालाबाद दे बारे, उत्थों दी सियासत दे बारे लेखा जोखा। दोबारा फिर इस लड़ी के नवे प्रोग्राम दे विच नवे हलके नूं लैके दोबारा तुहाडी सेवा 'च हाजिर होवांगे। उदों तक लई इजाज़त दिओ, धन्नवाद, सत श्री अकाल।